नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, जीविका की बड़ी अपडेट आ चुकी है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। आप लोगों को पता चल ही चुका होगा और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ। और रिजल्ट कब आने वाला है सीसी का, ये भी मैं वीडियो में बताऊँगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए, बिल्कुल भगा कर मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सीसी का जो आपने ऑब्जेक्शन किया था उसका स्टेटस आ चुका है, देख सकते हैं स्टेटस आ चुका है। और दूसरा जो है आप यहाँ देख सकते हैं सीबीटी फाइनल आंसर कीज भी जारी कर दिया गया है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का फाइनल आंसर कीज भी जारी कर दिया गया है। और रिजल्ट कब आएगा ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल मत भगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए देख ले। तो यहाँ आप देख सकते हैं 11 नवंबर को दो दो नोटिस आ चुकी है, तो इसे मैं हिंदी कर देता हूं ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए। तो ये देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। और यहां पे आप देखेंगे, ये देखिए 3 सितंबर से 9 सितंबर 2019 के बीच आयोजित सामुदायिक समन्वयक के लिए सीबीटी परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा की पोस्ट आपत्ति अंतिम उत्तर कुंजी उपलब्ध है, यानी फाइनल आंसर कीज उपलब्ध है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। किस पद के लिए? सीसी के लिए। तो डाउनलोड कहाँ से होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा है 3/9/2019 से 9/9/2019 के दौरान आयोजित सामुदायिक समन्वयक के लिए आयोजित सीबीटी परीक्षा के लिए आपत्ति की स्थिति प्रकाशित की गई है। तो जो आपने फाइन आंसर कीज में जो शुरू में आंसर कीज दिया गया था उसमें कुछ प्रश्न गलत दिए गए थे, उनमें ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया गया था आप लोगों को। तो जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था उसका स्टेटस आ चुका है, वो देखेंगे कि जो आपने दावा किया था वो सही पाया गया या गलत पाया गया। अगर सही पाया गया होगा तो आपका नंबर बढ़ने वाला है, अगर गलत पाया गया होगा तो नंबर घटेगा तो नहीं, लेकिन जितना आ रहा था उतना ही रहेगा। फिलहाल अभी चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। इसे सबसे पहले आंसर कीज को देख लेते हैं क्लिक करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए सेट 1, सेट 2, सेट 3 करके सब कुछ दे दिया गया है। और कौन से डेट में आपका एग्ज़ाम था डेट वाइज दे दिया गया है। तो जिस डेट में भी आपका एग्ज़ाम था उस डेट का आप डाउनलोड करके यहां से देख सकते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। और यहां तक देख सकते हैं आप लोग, 9 सितंबर तक का दे दिया गया है, 3 से लेकर 9 सितंबर तक। तो इतना ही दिन तक एग्ज़ाम चला था कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तो यहाँ से डाउनलोड करके देख लें अपना अपना, ठीक है। अब चलते हैं पीछे। तो ये जो है अब सेकेंड जो रहा ऑब्जेक्शन वाला, कि आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया है या नहीं, तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं एक पोस्ट जो था LSBA का भी था 21 अगस्त को, और बाकी जो है आपका BRLPS यानी CC का दिया गया है। तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, किनारे में दिया गया है जो भी आपका था जिस डेट में भी था वो आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। और चलिए अब बताते हैं कि CBT जो एग्ज़ाम लिया गया है CC के लिए उसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट दोस्तों, रिजल्ट अभी थोड़ी देर लगेगी क्योंकि अभी अब जो आने वाला है आप लोगों का फाइनल सॉरी क्वालिफाइंग लिस्ट आएगा। क्वालिफाइंग जिस जो न्यूनतम आहर्तांक अंक जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 15 नंबर था और 12 नंबर, उसके अनुसार आरक्षित वर्ग का जिनका 12 नंबर से ऊपर आया होगा वो क्वालिफाई होंगे, और जो जनरल कैटेगरी से होंगे उनका 15 नंबर आया होगा वो भी क्वालिफाई होंगे, 15 नंबर से ऊपर आने वाले क्वालिफाई होंगे। और 12 और 15 से नीचे वाले अंकों को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनका आगे का प्रक्रिया समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एक दो दिन में क्वालिफाइंग लिस्ट आने वाला है, हो सकता है कल तक आ जाए, तो उसके बाद रिजल्ट जो है एक दो दिन में जारी कर दिया जाएगा सभी का। फाइनल रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आप लोगों को बुलाया जाएगा, और उसके दौरान आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू और PPT और जो 45 दिन का इंटर्नशिप है और 1 नाइट का इंटर्नशिप है एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, वो नेक्स्ट स्टेज में करवाया जाएगा।
ठीक है। तो जैसे ही इसका नोटिस कोई कुछ भी आता है तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।